हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम रेसिपी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पालक मटर की बहुत ही चटपटा टेस्टी रेसिपी जो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। आज मैं पालक मटर की रेसिपी बहुत ही अलग तरीका से बना के तैयार करूँगी, तो मेरी वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। अगर आज की पालक मटर की रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पालक की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम, ये हमारी पालक है जिसे मैंने अच्छे से धुल के कट करके ले लिया है। इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम, ये हमारी हरी मटर है जिसे मैं भी धुल के ले लिया है। चलिए अब इसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर में मैं पालक को ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा आधा कप पानी, और इसमें मैं कुछ भी नहीं ऐड करूंगी और इसका मैं ढक्कन लगा दूंगी। चलिए मैं चलती हूँ गैस की तरफ, पालक को कुक कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है और प्रेशर कुकर को गैस पे रख दिया है। अब इसमें मैं 2 विसिल मीडियम फ्लेम पे लगाऊंगी। तो चलिए मीडियम फ्लेम पे 2 विसिल लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 विसिल लगा के पालक को कुक कर लिया है। चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए मैं नीचे उतार लेती हूँ। तो चलिए इसका विसिल निकाल के हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने पालक को बाउल में निकाल लिया है। चलिए अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ और वापस मैं प्रेशर कुकर को फिर ले लूंगी और इसमें ये जो मैंने मटर लिया है इसमें ऐड करके मैं आधा कप पानी डाल के इसे भी कुक कर लेती हूँ। तो मटर को हमें ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस मटर को थोड़ा सा नमक डाल के हमें इसे सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया है। नमक डालने से हमारी मटर बिल्कुल एकदम ग्रीन ग्रीन रहेगी, अगर ये कुक होगी तो काली नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं चलती हूँ गैस की तरफ, इसे मैं कुक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है, प्रेशर कुकर को रख दिया है, ऊपर से ढक्कन मैं ऐसे ही रख दूंगी, इसमें विसिल नहीं लगाऊंगी और 5 मिनट इसे मैं सॉफ्ट होने तक कुक कर लेती हूँ मटर को। यहाँ पे 5 मिनट हो गया है, हमारी मटर अच्छे से कुक हो गई है, बिल्कुल एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे भी नीचे उतार लेती हूँ ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे लूंगी मैं एक मिक्सिंग जार और इसमें ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज का टमाटर, इसका मैं प्यूरी बना के तैयार करूंगी। अब इसके साथ मैं ऐड करूंगी, यहाँ पे लिया है 4 से 5 ये हमारी लहसुन की कलियाँ है, और 1 इंच के बराबर यहाँ पे मैंने अदरक लिया है। अब इसमें मैं चम्मच पानी ऐड करके मैं इसका एक पेस्ट बना लूंगी। तो चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का प्यूरी बना लिया है, तो चलिए इसे मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पालक का पानी को छान दिया है और यहाँ पे मैंने पालक को प्लेट में निकाल लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये अच्छे से पालक टेम्परेचर पे आ गई है, यानी कि ठंडी हो गई है। अब यहाँ पे लूंगी मैं एक मिक्सिंग जार और पालक को इसमें मैं ऐड करके इसे मैं हल्का सा पीस लूंगी। तो चलिए इसे इसमें ऐड करके पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पालक को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसका बहुत ज़्यादा पेस्ट हमें नहीं बनाना है, बस हल्का सा इसमें के जो खड़े खड़े पत्तियाँ दिख रही हैं इन्हें हमें थोड़ा सा ग्राइंड करना है बस। चलिए इसे थोड़ा सा पीस लेते हैं। यहाँ पे मैंने पालक को इस तरह से पीस लिया है, तो बहुत ज़्यादा इसे हमें बारीक नहीं पीसना है, इस तरह से हल्का हमें खुरदरा इसे पीसना है। तो चलिए इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पालक को प्लेट में निकाल लिया है। चलिए अब इसे मैं साइड में रख देती। तो यहाँ पे रेसिपी बनाने के लिए मैंने कुछ तड़के लिए हैं। तो 1 मीडियम साइज का यहाँ पे मैंने प्याज लिया है जिसे मैंने इस तरह से पतले स्लाइस में कट कर लिया है। आधा चम्मच यहाँ पे सौंफ लिया है, आधा चम्मच यहाँ पे काली राई लिया है, 1 चुटकी यहाँ पे हींग लिया है, आधा चम्मच यहाँ पे मेथी दाना लिया है, 2 यहाँ पे इस तरह से मैंने हरी मिर्च को लिया है जिसे मैंने इस तरह से कट किया है। तो चलिए मैं चलती हूँ गैस की तरफ, रेसिपी को बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके पैन को रख दिया है। तो पैन यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है। फ्रेंड, जब कभी भी आप लोग अगर इस पालक की रेसिपी को बनाते हैं, अगर आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे, तो यह बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी आप लोगों की यह रेसिपी बन के तैयार होगी। अब इसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इसे मैं ऐड कर देती हूँ, और इसके साथ ये जो मैंने सारे तड़के लिए हैं इसको भी इसके साथ ऐड कर देती हूँ, और इसे ब्राउन होने तक मैं
पका लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम पे कर दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक मैं तड़के को पका लूंगी। तो यहाँ पे हमारे सारे तड़के ब्राउन हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं ब्राउन करना है। अब इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी ये टमाटर का प्यूरी और तड़के के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसके साथ ऐड करूंगी मैं एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच यहाँ पे ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और सभी मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और इसे भी अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। तब सभी मसाले को मैं 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से पका लेती हूँ तड़के के साथ में। तो यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। चलिए मैं इसके साथ ऐड कर देती हूँ ये जो पालक पीस करके रखी थी, और मसाले के साथ इसे अच्छे से मैं पालक को मिक्स कर लेती हूँ। अब इसके साथ मैं ऐड करूँगी इस मटर को जो मैं बॉईल करके रखी थी, और इसे भी मैं पालक के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए 1 से 2 मिनट के लिए मसाले के साथ पालक और मटर को अच्छे से पका लेते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे मैंने जो पालक छान के पानी रखा था उसे भी ऐड कर देती हूँ। तो ये हमारा आधी कटोरी है। अब इसके साथ मैं एक छोटी कटोरी पानी को और ऐड करूँगी। अब सभी चीज़ को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी पानी के साथ में। तो यहाँ पे अभी पानी कम लग रहा है, आधी कटोरी पानी मैं और ऐड कर देती हूँ। और इसमें मैं ऐड करूँगी ये रेगुलर सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी यहाँ पे काला नमक। तो यहाँ पे नमक मैंने स्वाद अनुसार ऐड कर दिया है। चलिए नमक को अच्छे से सभी चीज़ के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसे ढक करके हम अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो चलिए मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 10 मिनट कुक कर लेते हैं। यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गया है। चलिए पालक को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पालक पहले से ही कुक हुई थी, तो हमें इसे ज़्यादा कुक करने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए इसे खोल कर मैं 5 मिनट तक गाढ़ा होने तक ऐसे ही इसे मैं और कुक कर लेती हूँ। तो इस तरह से कुक करने से इसमें अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आ जाएगा। तो अब इसे मैं ढकूंगी नहीं, ऐसे ही हाई लो फ्लेम के बीच में इसे मैं ऐसे ही कुक करूंगी 5 मिनट। तो चलिए इसे गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पालक मटर बिल्कुल बनके अच्छे से रेसिपी रेडी हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल यह ढाबा रेस्टोरेंट जैसे पालक मटर की रेसिपी बनके तैयार होती है, उसी तरह से यह रेसिपी बनके हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी बनके यह रेसिपी तैयार हुई है पालक मटर की। तो चलिए इसे हम नीचे उतार लेते हैं प्लेट में, और इसके लिए मैं ढाबे जैसे बिल्कुल इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पालक को प्लेट में निकाल लिया है, और इसके लिए मैंने तड़के भी बना के तैयार कर लिया है, बिल्कुल जैसे ढाबे जैसे तड़का बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल ऐड करके, आधा चम्मच जीरा, 2 से 3 यहाँ पे लाल मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल के मैंने इसे ब्राउन होने तक अच्छे से कुक कर लिया है। तो चलिए इसे मैं पालक में ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी पालक मटर की चटपटा टेस्टी रेसिपी बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है। आप लोग इसे रोटी, पराठा, पूड़ी, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा लगती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी एक बार मेरे बताए अनुसार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी या पालक मटर की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी? अगर आज की पालक मटर की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।